जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। देश कौम दे पुत्रा तो अपने पुत्र वार के, सरबंस दानी एक लासानी मिसाल दुनिया लिए कायम करके गए। इन दिनों दे विच छोटे साहबजादियां दी शहादत दे वैराग दे विच सारी कौम उन्हां दी शहादत नूं असी नतमस्तक हां। फतेहगढ़ साहब जोड़ मेले दे विच, उस शहीदी जोड़ मेले दे विच असी सब नतमस्तक होण लई जांदे हां। इस बार एक बेनती यह भी करनी सी मैं कि आपां जिथे उन्हां निक्कियां जिंदां दे वड्डे साके नूं सजदा करदे हां, नतमस्तक हुंदे हां, उथे दो थावां बड़ियां कीमती जिहड़ियां असी हर बार भुल जांदे हां। बाबा मोती राम मेहरा जी दे गुरुद्वारे जाणा वी आपां भुल जांदे हां, उथे भी शायद संगत जरूर जांदी होगी बहुत ही। बट एक जगह जिथे असी हमेशा भुल जांदे हां वो है दीवान टोडर मल जी की जहाजी हवेली। उन्होंने भी आप याद रखिए, उत्थे भी जरूर सजदा करया करो, उत्थे भी नतमस्तक होया करो। और मेरी बेनती है कि सारिया पुरातन इमारतां फतेहगढ़ साहब दियां हौली हौली खत्म हुंदियां जा रही, नवीं बनदियां जा रही, पर जहाजी हवेली दीवान टोडर मल जी के अजे भी उत्थे अवशेष अंश बचे ने, काफी अच्छी हालत अजे भी है। और मेरी बेनती है कौम के मोहतबरां राहबरां कि आपां उस पुरातन इमारत नूं जरूर बचा के रखिए तां कि आने वाली नस्लां नूं उत्थे सजदा करदियां रहन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।